नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और अब हम ज्योतिष के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने इस पूरी सीरीज के अंदर काफी सारे सामाजिक जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझने की कोशिश भी की है। मगर अभी तक जो हमारा ध्यान था वो ये था कि हमने पहले बेसिक जो है ज्योतिष को समझा, और आज जो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो समस्या है जो अक्सर लोग मतलब फेस करते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे पास अक्सर मतलब काफी ज्यादा आप कह सकते हैं आता है कि डाइवोर्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है, शादी करें तो किस हिसाब से करें, कौन से लगन साइन है, क्या 36 गुणों का महत्व है। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि जीवन में आप कह सकते हैं कि हर कोई विवाह के लिए आगे बढ़ता है, और कई बार इस तरह की स्थिति बनती है कि फिर वो डाइवोर्स में जो है चला जाता है और डाइवोर्स होता है उस स्थिति के अंदर। तो दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है कि आज हम इस कुंडली के माध्यम से ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से घर हैं जिनके कारण विवाह होता है, कौन सा जो घर यानी कि हाउस है जो स्पाउस के रिलेशनशिप को जो है दिखाता है, या स्पाउस के रिलेशनशिप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह के रिलेशनशिप वो होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइवोर्स यदि होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है उसके। और इसी सारे मतलब इसको समझते हुए कंसेप्ट को हम एक चीज को आज और भी समझेंगे कि क्या अगर कुंडली के अंदर अगर आपका डाइवोर्स मेंशन हो रहा है यानी कि दिख रहा है कि डाइवोर्स होगा, तो क्या ऐसे केस में शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या एक स्पेसिफिक केस के बाद करनी चाहिए। और शादी की जब बात हो रही है, विवाह की बात हो रही है, तो कई बार एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी कंसर्न आता है सामने कि मांगलिक दोष जो है, ये बोला जाता है कि मांगलिक दोष है कुंडली के अंदर, तो उस केस में क्या करें। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों का मैं आपको उत्तर देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, कंसेप्ट वाइज आप सारी चीजों को नोट करते जाइए, मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा। ये कुंडली ऊपर जो आप देख रहे हैं इसके बेस पे ही मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, और धीरे धीरे आपको सारी बातें समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए मांगलिक दोष को क्लियर कर लेते हैं कि मांगलिक दोष होता क्या है। ठीक है, मांगलिक दोष बोला जाता है जब मंगल जो है पहले घर में, छठे घर में, आठवें घर में या बारहवें घर में हो तो ये मांगलिक दोष कंसिडर किया जाता है। परंतु अब बात यह है कि मांगलिक दोष से होता क्या है। ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि मांगलिक दोष यदि हो एक कुंडली के अंदर तो जो है स्पाउस या मतलब हस्बैंड या वाइफ में से एक व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है। मतलब ये सारी धारणाएं और कुछ चीजें इसमें हद तक प्रैक्टिकल नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं मांगलिक दोष जो होता है वो इस तरह से डिसाइड, अकेला एक यही क्राइटेरिया नहीं है कि इसी के बीच से मांगलिक दोष डिसाइड होगा। ये तो ब्रॉडली एक डेफिनेशन है कि हाँ इन इन घरों में अगर मंगल हो तो ऐसा हो सकता है, परंतु अब इसमें कई चीजें कनेक्ट होती हैं। इसमें ये भी एक चीज कनेक्ट होती है कि मंगल की जैसे अवस्था होती है वो 28वें साल तक होती है। तो मांगलिक दोष को अवॉइड करने के लिए पहला एक तरीका तो यह है कि आप जो है जिस भी जातक या जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है उसकी शादी 28 साल के बाद कीजिए तो आप सेफ रहेंगे। इसमें मांगलिक दोष जो है उसका हम कह सकते हैं कि 90% तो उसका असर जो है खत्म हो जाता है। तो एक तो मैंने आपको ये तोड़ बताया कि 28 की उम्र तक आप वेट कीजिए, तो मांगलिक दोष अगर किसी कुंडली में है तो आप उस व्यक्ति विशेष का जो है विवाह मत कीजिए 28 साल तक, और 28 साल के बाद कीजिए। और आजकल तो ऐसे वैसे भी ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि विवाह 28 साल के बाद हो। तो ये तो रहा मांगलिक दोष की बात। अब हम चलते हैं इस कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है कि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि स्पाउस का घर कौन सा होता है। मैंने आपको पहले भी जितने चैप्टर समझाए हैं उनके अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कि सातवां घर जो होता है वो हमारे स्पाउस का होता है। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड आपके स्पाउस कहलाएंगे, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आपकी स्पाउस कहलाएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को समझना पड़ेगा कि सातवां घर बहुत महत्वपूर्ण घर है, जिसकी दृष्टि से हमें देखना होता है, हमें विचार करना होता है कि क्या इस कुंडली में डाइवोर्स का योग है या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये कि मैं आपको अभी जो है नेक्स्ट एक चैप्टर के अंदर लव मैरिज से संबंधित भी जो है एक सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, वो भी आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसको हम करेंगे। उसमें भी पांचवें घर का, सातवें घर का और नौवें घर का रोल आएगा, मगर सातवां घर आप नोट कीजिए कॉमन है हर जगह पे। तो बात डाइवोर्स रिश्ते की यानी कि शादी की जब हो रही है तो सातवां घर तो हमें देखना ही देखना है। अब इस कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो सातवें घर का जो लॉर्ड है
वो मंगल है, जो कुंडली को आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। और मंगल जो है इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे थर्ड हाउस के अंदर नीच का भी पड़ा हुआ है, परंतु नीच का मंगल पड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे कि नीच का मंगल के साथ सूर्य पड़ा हुआ है। अब सूर्य जो पड़ा हुआ है, अगर सूर्य की मैंने आपको पहले भी खास बात बताई थी कि सूर्य के साथ जो ग्रह पड़ा होता है वह अस्त हो जाता है, तो इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं काफी हद तक कि अस्त हो जाता है तो उसका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि शायद जो है मैरिज चल जाए, एक पॉसिबिलिटी लगती है, या फिर ये हो सकता है कि स्ट्रगल ज्यादा होगा मगर उसके बाद मैरिज फिर टूट जाएगी, तो ये एक परिस्थिति है, इसको समझना होगा। परंतु मंगल जो है नीच का है, सातवें घर का लॉर्ड नीच का है, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स का जो सिचुएशन है वो तो बन रही है, इसको हम क्लियर कट बोलेंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस लॉर्ड विच इज मार्स एंड मार्स इज डेबिलेटेड इन दिस हॉरोस्कोप। तो यहां तक हमारे को एक बात समझ आई है। अब हम आगे देखते हैं कि मार्स सेवंथ हाउस का लॉर्ड, उसके रिलेशनशिप और ग्रहों से कैसे होते हैं। इधर आप थर्ड हाउस में बुध भी देखेंगे, बुध की भी युति इसके साथ है। तो बुध जो होता है बेसिकली वो एक शत्रु ग्रह है, यानी कि एनिमेटिक रिलेशनशिप रखता है मंगल के साथ। तो अब यहां पर फिर से स्थिति को जांचते हैं, समझते हैं कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड एक और रिस्क में आ गया है कि उसके साथ बुध पड़ा हुआ है। तो बुध पड़ा हुआ है, बुध एनिमेटिक है, तो ये थोड़ा सा और जो है स्थिति को पेचीदा करता है, और यहां पर लग रहा है कि चांसेस और बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के। तो इस तरह से हमारे को लगभग सा जायजा लेना होता है। परंतु देखिए, ये तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड हमने देखा, सेवंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड में पड़ा हुआ था, और इसके अलावा हम एक चीज और देखेंगे, जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड मंगल है उसके साथ चंद्रमा भी पड़ा हुआ है। अब चंद्रमा फिर से जो है वो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा एक एनिमेटिक रिलेशनशिप रखता है मंगल के साथ, क्योंकि चंद्रमा का जो एलिमेंट है वो वाटर है, मंगल का जो एलिमेंट है वो फायर है, दैट इज द बेसिक रीजन। तो यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, मगर अब आप ब्रॉडली और चीजों को समझिए कि यहां पर सिचुएशन को क्लोजली भांपना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम डाइवोर्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप या रिश्ते जो हमें किसी के साथ करना है नहीं करना, तो देखिए जब भी आप रिश्ता करते हैं किसी भी लग्न साइन के व्यक्ति के साथ, तो आपको एक चीज देखनी होती है कि लग्न की कंपैटिबिलिटी क्या है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि इसमें सिर्फ गुण मिलाते हैं, गुण मिलाने के बाद जो है वो ये सोचते हैं कि हमारा काम हो चुका है। परंतु ऐसी स्थिति में केवल गुण मिलाना जो है काफी नहीं है, इसके अलावा आपको जो है नवमांश चार्ट की जो है स्थिति वो भी भांपनी चाहिए, क्योंकि नवमांश चार्ट जो होता है वह कुंडली के अंदर गृहस्थी का चार्ट होता है। तो यहां पर मैं आपको अभी नवमांश चार्ट का एक चित्र दिखाने जा रहा हूं, आप नवमांश चार्ट देख सकते हैं इस कुंडली के अंदर। तो नवमांश चार्ट को और देखते हैं आप, देखिए सेवंथ हाउस में यहां पर जो है सातवीं राशि पड़ी हुई है। दूसरी बात, यहां पर राहु और केतु भी पड़े हुए हैं। अब देखिए, राहु को अगर आप समझेंगे, राहु केतु सूर्य और शनि, ये जो चार ग्रह है ये बेसिकली सेपरेटिवनेस के ग्रह माने जाते हैं वैसे, परंतु राहु और केतु का जो ओवरऑल रोल माना जाता है वो इस तरह से देखा जाता है कि वो है अच्छा रोल या पॉजिटिव रोल नहीं होता है। और यहां पे जब नवमांश चार्ट की बात करेंगे, नवमांश चार्ट के अंदर राहु पड़ा है सातवें घर में और पहले घर में केतु की जो युति है, सामने आप केतु भी देख रहे हैं, तो राहु और केतु जो यहाँ पे पड़े हैं ये डेफिनेटली एक फिर से जो हमारी चीज जो हम बात सोच रहे हैं उसको और कंफर्म करते हैं कहीं ना कहीं कि यस, इस कुंडली के अंदर जो है नवमांश चार्ट को देखते हुए भी जो है डाइवोर्स के योग बन रहे हैं। अब हम आगे की थोड़ी और जांच करते हैं कि जैसे सेवंथ हाउस का लॉर्ड हमने यहां पर देखा शुक्र है, अब शुक्र की स्थिति देखेंगे। शुक्र जो है यहां पर उच्च के गुरु के साथ पड़ा हुआ है, मगर साथ ही साथ शुक्र जो है चौथे घर के अंदर नीच के मंगल के साथ भी पड़ा हुआ है। तो यहां पे फिर से एक कंफर्मेशन आती है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कुंडली के अंदर जो जातक है, मैं नाम के एक्चुअली मेंशन नहीं कर रहा हूँ इस कुंडली के अंदर, वैसे ही मेरे क्लाइंट है, एक रियल टाइम कुंडली जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं जो है डाइवोर्स के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी कंफर्मेशन हमें नवमांश चार्ट से भी आ रही है, जो कि गृहस्थी का चार्ट होता है। तो दोस्तों, यहां तक की काफी चीजें क्लियर हुई हैं। अब हम नवमांश चार्ट के अंदर एक चीज और देखते हैं कि नवमांश चार्ट का
लगन साइन कौन है? लंबास चार्ट के अंदर यहाँ पे लगन साइन जो है फिर से मंगल है। मंगल फिर से चौथे घर में हमने देखा नीच का पड़ा हुआ है। तो देखिए कहीं से भी समाचार जो है आप कह सकते हैं सकारात्मक नहीं आ रहा है। हमने पहले लगन चार्ट की जांच करी, फिर हमने लंबास चार्ट की जांच करी, दोनों तरफ से हमारे को जो है अच्छी स्थिति नहीं दिखी। और कहीं ना कहीं अभी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रगल तो कर रहा है। अब हम दोबारा से मेन चार्ट यानी कि मुख्य चार्ट यानी कि लगन चार्ट की तरफ फिर से चलते हैं और एक छोटी सी जांच और करते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्प्स यहां पर शेयर करने जा रहा हूं, छोटा सा ग्लिम्प्स देने जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम लोग इस तरह से मतलब सोचते हैं कि हाँ मुझे मेरी अगर लव मैरिज है तो मेरा डाइवोर्स नहीं होगा, या फिर कई बार ऐसी भी स्थिति देखी जाती है कि लव मैरिज के योग होते हैं परंतु इट इमर्ज एज अ बिटर रिलेशनशिप। शुरू में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है और बाद में जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रगल करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं यहां पर, मैं यहां पर देखूंगा पांचवें घर की स्थिति क्या है, सातवें घर की स्थिति क्या है और नौवें घर की स्थिति क्या है, यानी कि उनके लॉर्ड्स का जो है इक्वेशन किस तरह का है इस कुंडली के अंदर। अब आप जो ये लगन चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर उसकी भी जांच पड़ताल थोड़ी सी और करते हैं और फिर जो है हम इस चैप्टर को विराम देंगे, जिससे आपको पता लगा कि सातवें घर के ऊपर किस तरह के इफेक्ट्स होने के कारण या फिर सातवें घर के लॉर्ड की युति किन ग्रहों के होने के कारण, जैसे कि सेपरेटिवनेस के ग्रह जो कि मैंने आपको बताया कि सेपरेटिवनेस में सूर्य आ गया, शनि आ गया और राहु केतु मेजरली आ गया। तो ये जो ग्रह है ये जो सेपरेटिवनेस के ग्रह है अगर ये आते हैं तो इस तरह के ग्रह सेवंथ हाउस में पड़े हो, चाहे इनका लॉर्ड सेवंथ हाउस के साथ पड़ा हो, तो डाइवोर्स की स्थिति बना देता है। परंतु मैं आपको ये बता देता हूं कि इस कुंडली के अंदर जो नजर आ रहा है मुझे पांचवें घर का और सातवें घर का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में नजर आ रहा है। तो मैं एक चीज और यहां पे कंफर्म करता हूं कि ये जो कुंडली है या फिर ये जो जातक है इनकी लव मैरिज हुई है, और या फिर ये कह सकते हैं कि परिवार वालों की तरफ से अगर कोऑपरेशन मिला हो तो लव का मैरिज भी हम इसको कह सकते हैं, परंतु लव मैरिज के योग इस कुंडली के हिसाब से दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरा कहने का तात्पर्य बेसिकली यही है कि आप ये मत समझिए कि अगर आपको आपका साथी मनपसंद का मिल गया है तो आप ये समझ सकते हैं कि अब आपका जीवन जो है पूरा स्मूथ जाएगा। जी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आपको कई चीजों को और भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ता है। मगर आप रिलेशनशिप की जब बात कर ही रहे हैं तो इसमें मैं आपसे थोड़ा सा अपना तजुर्बा भी शेयर करूंगा। देखिए अगर आप मुझसे स्वतंत्र रूप से अगर एक भी बात पूछते हैं कि सर आप मैरिज को किस तरह का इंस्टीट्यूशन मानते हैं, तो देखिए मैं मैरिज को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मानता हूं। उसके पीछे एक रीजन है। बेसिकली अगर हम बैलेंस को प्रोनाउंस कर देते हैं तो कोई भी रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, परंतु शादी या फिर इवन तक आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स से हो, आपका रिलेशनशिप आपके किसी मित्र से हो, आपका रिलेशनशिप इवन ऑफिशियल हो, तो आप इस बात को समझिए कि रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मेरा स्वतंत्र जो मानना है स्वतंत्र रूप से वो ये मानना इसलिए है, ये मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि इसलिए कि लाइफ को भी आप समझे क्लोजली कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप के अंदर एक्सपेक्टेशंस को लेके आएंगे तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिटर हो जाएगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर ओल्डेस्ट रिलेशनशिप विद योर बॉस, इवन विद योर वाइफ, इवन विद योर फादर, इवन विद योर मदर, इवन विद योर फ्रेंड, मगर जहां पर आपने एक्सपेक्टेशन रखी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे रखी, आप नहीं पूरी कर पाए या वो नहीं कर पाया, तो आप मान के चलिए कि वो रिलेशनशिप का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं इसी कारण से मैरिज को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल तौर पे ये चीज को भांप पा रहा हूं, देख पा रहा हूं आज हमारे भारतीय समाज के अंदर। मेरे पास जो पर डे पे जितने कुंडलियां आती हैं उसमें से मैं कह सकता हूं कि 30-40% हॉरोस्कोप जो होते हैं वो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं कि डाइवोर्स का केस चल रहा है, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, शादी करी थी 36 गुण मिलते थे परंतु फिर भी हो गया, पंडित जी ने तो मिला के बोला था बहुत अच्छा जाएगा। देखिए जाएगा
तभी कोई रिलेशनशिप अच्छा, जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। मगर मैं आपको बता देता हूं, हमारा समाज एक इमोशनल समाज है और हमारे समाज के अंदर जो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं वो इसी कारण से आ रही हैं कि जिस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन है वो रिलेशनशिप का बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको ना केवल ज्योतिष के को आधार बना के अपना जीवन चलाना है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूं एज एन एस्ट्रोलॉजर कि आप ज्योतिष को आधार बना के चलिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुद अपनी कुंडली आज 10 साल से नहीं देखी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्योतिष को मानता नहीं हूं। प्रिंसिपल्स को फॉलो करना एक अलग चीज है, जिंदगी को प्रैक्टिकल तौर पर जीना एक अलग चीज है, और जिंदगी के जो प्रैक्टिकल तजुर्बे होते हैं वही जो तजुर्बे होते हैं आपको जीवन जीने का हुनर भी सिखाते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज की डेट में आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच ऑल्सो, डिप्रेशन कोच ऑल्सो विद सो मेनी पीपल। बट रीजन ये है कि मैं कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की आउटपुट्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल आउटपुट्स भी शेयर करता हूं, अपना एक्सपीरियंस जो जीवन का है वो भी शेयर करता हूं, और एज वेल एज जो यंग जनरेशन है जो आ रही है, जो उम्मीदों से भरी हुई है, जो बहुत पॉजिटिव है जीवन को लेके, उनका सकारात्मक जो नजरिया है मैं कहता हूं वो बना रहे। परंतु उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ज्यादा उम्मीद जिंदगी से ना रखकर अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखेंगे, अपने कर्मों को रेगुलरली परफॉर्म करेंगे, और सिंपल सा नियम है जीवन को जीने का, आप निज प्रशासन फिर प्रशासन, तो यह है कि आप खुद पे कंट्रोल रखिए, अपना जीवन जो है सही तरीके से जिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपना कर्म मत छोड़िए। अगर आप अपना कर्म छोड़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इधर उधर के रास्तों पे फालतू में डेविएट होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको बता देता हूं कि इस पूरे जीवन का जो चक्र है वो हमारे कर्मों के आसपास ही घूम रहा है, और हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। आवर एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डेस्टिनी, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, आज इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूं। आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं क्लियर करूंगा एक एक सवाल को। परंतु आज जो मेरा फोकस था वो सेवंथ हाउस था, जिसमें मैंने डाइवोर्स, मैरिजेस, और जो है अक्सर जो एक ट्रेडिशनल वे चलता है कि 36 गुण मिले नहीं मिले, 36 में से कितने गुण मिले, वो वाली चीज मैं उसको सिरे से खारिज नहीं करूंगा, बस काफी हद तक मैं खारिज करता हूं उस थ्योरी को। परंतु मैं यहां पर यह बोलूंगा कि आप जब भी मैरिज के लिए आगे बढ़े तो आप एक लगन साइन की दूसरे लगन का साइन के साथ कंपेटिबिलिटी देखकर आगे बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी कि जो वो रिलेशनशिप है ज्यादा अच्छा चलेगा। और लगन साइन की जब बात करते हैं तो उसमें भी उनका उच्चत्व यानी कि एग्जॉल्शन जरूर देखें। दोनों कुंडलियों में से अगर एक कुंडली का एग्जॉल्शन आ जाता है और दूसरी कुंडली का जो लगन साइन है एग्जॉल्टेड नहीं भी है तो भी रिलेशनशिप निभ जाता है। परंतु यहां पर जो थ्योरी को जो चेंज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ बात जो शेयर कर रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकल बेस पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा जीवन का तजुर्बा है जिसके बेस पे मैं आपके बात कर रहा हूँ, और हजारों कुंडलियां देखने के बाद बात कर रहा हूँ। कई तो ऐसी कुंडलियां थी 36-36 गुण भी मिल रहे होते हैं तो भी डाइवोर्स के कगार पे वो लोग होते हैं, 28 गुण से ऊपर है, 29 गुण से ऊपर है, अलग अलग धारणाएं हैं। परंतु उन चीजों को छोड़िए, सिंपल सी बात को समझिए, लगन साइन की क्वालिटी जितनी बेहतरीन होगी आपके स्पाउस की और आपकी, तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली चलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप आपका किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी रिलेशनशिप हो। और रिलेशनशिप निभाना इज एन आर्ट, इट कुड बी रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, विद योर पेरेंट्स, और सोशल रिलेशनशिप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवोर्स, मैरिजेस, एंड नेक्स्ट जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं उसमें हम लव मैरिज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं कि लव मैरिज को भी क्लियर किया जाए, तो हम उसको भी क्लियर करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आज मैं जो है इस चैप्टर को यहीं पे विराम देता हूं, आपके क्वेश्चंस का मुझे इंतजार रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ तत्कालिक तौर पे मेरी इनपुट्स चाहिए आपके जीवन में, तो आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कमेंट्स में दीजिए। आजकल हम लोगों ने एक इस तरह का भी सेशंस चला रखे हैं जिनके अंदर हम लोगों की लाइफ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं इस चैप्टर को यहीं विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने कमेंट्स सेक्शन में मेरे को जो है अपने कमेंट्स देंगे। थैंक यू वेरी मच।